फाइनली मेरे दूसरा टब अभी तैयार हो गया। पहले टब उस्ताद के पास, उसमें थोड़ा सा काम शाम लगाया था, पर उस्ताद के दूसरे भी तैयार उस्ताद, उसमें वो अभी सेट हो जाएगा जो थोड़ा सा उकड़ रहा है। मैं ये थोड़ा सा उसके ये थोड़ा सा साइड ख़राब हो गया, मैंने उस्ताद को उसको तैयार करा के दो, क्योंकि बार बार मैं इसे नहीं आने आता, पर ये हो गया मेरा दूसरा तैयार बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, खैरियत से हैं? ठीक हो ना? मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खाटक। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल खाटक बैठक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक हो गए मैं अनदर व्लॉग में। तुम्हें कताब सब खैर वाफियत से होंगे, जिंदगी से नहीं मजे सब से। रमजान मुबारक का महीना निकल, रहमत वाला, बरकत वाला, सुकून वाला महीना, ठंडा ठार महीने सुकून से तो गुजर रहा होगा। बिल्कुल कुछ ही दिन रह गए, बिल्कुल आखिरी दिन रह गए, बल्कि कल है 27वीं। वैसे आज मेरे को बड़ी हैरानी की परेशानी हो रही है कि वैसे पहले सुबह सुबह तोते अच्छे बड़े शुरू कर रहे, जैसे ही मैंने व्लॉग शुरू की तो बेचारे बड़े सुकून से बैठ गए। ये दो साहबजादे बैठे हुए हैं और ये भी बिल्कुल सुकून से बैठ गए। ओह ओह, ये तो वैसे ही कर गया, मैंने थोड़ी तारीफ कर ली, वैसे ही कर ली। ये सारे कमरों में कुछ लेते ही इन्होंने पर्दे का सीन शुरू कर लिया, और ये बेचारे तो बिल्कुल आज सुकून से बैठे हुए। अगर किसी को आज पता लग गया था कि यार मैं व्लॉग भी करने लगूँ, अगर मैं इन्होंने शोर किया था फिर मैं इनको खैर नहीं आओ कि तो फिर यही होगी, पर कोई नहीं, खैर लाख लाख शुक्र कि हमारे दिन हो गए शुरू। एक और तो शुरू करते अपना दिन, अपना व्लॉग लबा के पाक बबरकत नाम और दुरुदी दाई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते अपने काम काज, चलते दुकान की तरफ। मैंने को करनी है दुकान की थोड़ी सफाइयाँ, सफाइयाँ करनी, ईद की शॉपिंग, शॉपिंग ईद की शॉपिंग अपने लिए तो खाक करनी है, पहले करनी है दुकान की ईद की शॉपिंग, उसके बाद देखेंगे कि अपनी भी करनी है क्यों नहीं, क्योंकि अपने इधर पर प्लान बन रहा है कौन जाने का, वो भी अपने हया भूसा पे। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। मैं सोच रही हूँ हया भूसा थोड़ा नक्श भी चेंज करूँ, थोड़ा भी चेंज कर लूँ, थोड़ा उस पर खर्चा शर्चा भी कर लूँ। वैसे इसको तो ऑयल ट्यूनिंग करा ली थी, पर मेरे को फील हो रहा है कि मोटरसाइकिल ना बंद हो, वो मोटरसाइकिल भाग नहीं रहा, खुल के निकल नहीं रहा, गजब बेइज्जती है। तो उस दिन दोस्त आया, वो कहते भाई इसके सेंसर वॉश करा, तो कल मैंने एक और नए मैकेनिक को दिखाया, वो कहते भाई इसका ऑयल ट्यूनिंग करा, जबकि मैंने हफ्ता पहले ऑयल ट्यूनिंग कराई है। पर नहीं, हमारे मुसलमान भाई ये कहते जो मर्जी हो जाए, हमें पैसे मेरे दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए। पर मैं आज जाऊंगा अपने पुराने मैकेनिक के पास, उसे कहूंगा मशवरा कि भाई ये क्या मसला है, मोटरसाइकिल क्यों मस्ती करे, खुल के क्यों नहीं जा रहा, पहले मेरे को जाना है दुकान पे, जाके करने दुकान थोड़ा नया चेंज, ईद की शॉपिंग करनी है, पूरी सफाइयाँ करनी है, उसके बाद मेरे जाने थोड़ा सा नया नक्श चेंज करना, उसके बाद आना है खुद को थोड़ा सा नया नक्श चेंज करना, क्योंकि हालात थोड़े से मेरे को लग रहे खराब वाले। उसके बाद जाएंगे फिर अपने मकैनिक के पास, और रात को भी अफ्तारी का भी सहरी का भी सीन है, वो भी करतालपुरा में, यानी कि दिन सफर पलम मसूद है। चलो निकलते हैं अपने दुकान की तरफ, लगाते हैं सासन का सारा दिन। मेरे को अभी बड़ी मुश्किल से नींद से उठाऊँ, ऐसे हो तो अच्छा बल गया लेट, पर क्या करूँ, करने तो है काम, कोई सोर्स नहीं, चलो चलते हैं दुकान पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं तो सुबह सुबह धूप इतनी तेज है कि आंखों में चुभने लगी है, पता नहीं क्या वजह है। तो मैं रात को आया भी कर अच्छा बलत देर से था, नींद की कमी थी, ऊपर से धूप इतनी तेज है कि आंखों में शदीद बड़ा पेन शुरू हो गया। चल थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आवाज आवाज चलने लगी है, पर यह कि जो धूप की आज की हालत है, इस वजह से बड़े अलर्ट टाइट लग रहे हैं, पर अल्लाह पाक सब की मुश्किल आसान करें। मेरे को तो लग रही है अच्छी बड़ी आंखों में पेन भी, मैंने रात को सोया भी लेट था, पर कोई नहीं, अब आम तो खुल तो गई है। सुबह आप चलते थे दुकान पर, बंदे थोड़े से कबाड़ियाँ करते, दुकान के सारे छोटे मोटे काम ख़त्म, उसके बाद वापस आएंगे, फ्रेश होंगे, फिर ले करेंगे अपना बाइक। तो अभी चलते हैं तो दुकान पे, धूप में आंखें चल रही है, करते हैं भूसा और फाइनली मैं पहुंच गया अपनी दुकान पे। दुकान पे पहुंचने साथ ही मेरे को बनना पड़ रहा है कबाड़िया, क्योंकि मुझे करने पूरी दुकान की सफाई, सफाई इन द सेंस कि मुझे अलहमदिल्ला कल सारा स्टॉक आ गया बोतलों का, और अभी मुझे सारी सफाई करनी, ये गत्ते की अभी तो लाइट की वैसे नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो गया, ये सारी सफाई मेरे को करनी है, ये सारा गत्ता निकालना। मैंने साथ बंदे को बुला लिया, बंदा कह रहा भाई पहले तू शुरू हो, फिर मैं करूँगा। मैं कहा चल ठीक है, वैसे ही छोटा सा शाप थैला मैंने निकाल लिया, ये सारा काम मैंने के पैसे खाएगा छोटा भाई, मेहनत करूँगा मैं, क्योंकि ये शुरू से रूल है, ये जो भी गत्ता शत्ता होता है, जो भी दुकान का काम होता है, मैंने
काम करना मेरी जिम्मेदारी है, कैश छोटे भाई की जिम्मेदारी है, पर कोई नहीं, खैर अल्लाह पाक उसको बरकत है, शायद उसके बदौलत रब हमें दे रहा है, क्योंकि रब ताला की बड़ी प्यारी तकसीम है। वैसे बुजी को मैंने बाजार भेजा, बुजी तुम सीधे बाजार जाओ, मैं शुरू करना अपने काम काज। समझ रहे हो आप? दुकान के काम शाम खत्म करने के बाद मैं निकला अपना हयाबुसा और निकल पड़ा सीधा मैकेनिक की तरफ, क्योंकि मुझे करनी है अपने हयाबुसा की थोड़ी बहुत डेकोरेशन। चेंज करते क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो मुझे फीड से कोई थोड़ा खर्चा शर्चा मांग रहा भाई, वैसे इसकी ऑलरेडी तो मेरे टाइम पे करा रहे, तो फिर मैं थोड़ा सा ना और खर्चा करते, थोड़ा सा इसको डेकोरेट शेकोरेट करते, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जल्दी करते अपना हयाबुसा, तेज गर्मी है और मेरे को लग भी रहा है रोज़ा, और मैंने टाइम पे जाके मेरे इरादा था, वैसे मेरा रेस्ट टाइम है तो मैं थोड़ी देर सो जाऊं, पर लगता है कि मेरे सोने का प्लान हो गया चौका जिंदगी खत्म। अब जाते हैं मैकेनिक के पास, वैसे दुकान तो यहीं कहीं थी, डेकोरेशन वाली शॉप है, जाते हैं स्टिकर। वैसे स्टिकर की तो मल्टीपल लाइंस लगी, पर मेरे को जो पसंद आए वो ये दो स्टिकर हैं, एक ये वाला स्टिकर है भैया, दूसरे स्टिकर की तरह जो भी लगाना है हमने, अच्छा वो दूसरा स्टिकर भी वो नीचे, वो भाई ये भी काम कर पे, वो सामने भी वो निकाल के दिखाएंगे, ये भाई मेरे को लगा के दे रहे हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं, खैरियत से नहीं मेरे भाई? ये ऐसे लगाने ना कि बिल्कुल ना लगे कवर हो जाए, इसमें निशान ना आ जाए, ठीक है, बिल्कुल ये प्रॉपर नज़र आ जाए, ठीक है। फिर भी भाई स्टिकर शिकर लगाते हैं, वैसे दो काम में से और ज़्यादा है कि मैंने प्लेट बनवा लूँ। वैसे डेकोरेशन की शॉप काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इनके पास सामान पड़ा हुआ है, पर मेरा फिलहाल इरादा है कि टापों पे स्टिकर लगा लूँ, और टापों पे स्टिकर लगाने के बाद मुझे सामने शीटें भी नज़र आ गई, देखते इसमें भी अगर कोई काम का बने तो वो भी कर लेते हैं। जरूरी काम है वो है टापों पर स्टिकर लगाना, उसके बाद मेरा जरूरी काम है मेरा वो है कि नंबर प्लेटें भी बनवानी, तो देखते हैं कि भाई कितना टाइम लेगा ये क्लियर करने में। वैसे उसने स्टार्ट तो ले लिया, देखते कि हमारे टापे कितनी देर में रेडी होते हैं। आखिरकार एक टापा तो मेरा तैयार हो गया, बाइक वाले से बड़े शानदार बने, बड़े प्यारा काम किया भाई, ये काफ़ी टाइम से लगे थे, ये मेरा असल टापा तैयार हो गया। दूसरा टापा भी हमारा ये तैयार होने वाला है, भाई ने इस पर भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम तो लगे भाई कि एक दफ़ा काम उसको नज़र आ रहा है कि भाई ने बाकी हक अदा किया अपने काम का। अभी थोड़े से भाई को टाइम देते, थोड़ा भाई से काशिप को देख कितना मुझे टाइम लगेगा, थोड़े से फिर भी नसाज नहीं जाना है, ज़्यादा गैर क्योंकि जल्दी जा गया, चक्कर भी आ रहे, ऐसे मेरे बार बार इस पर नीयत ख़राब, यहाँ से भी एक दो स्टिकर लगवा लें क्योंकि सीट थोड़ी सी डैमेज होगी, तो इससे थोड़ी स्टिकर सीट बनवाते और उसको थोड़ा सा डैमेज होकर वो सेट कराते, थोड़ा सा भाई को टाइम देते हो भाई खड़े हुए इनके उस्ताद, थोड़े से टाइम देने के बाद फिर हम निकलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरे एक टाप तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके, और दूसरे का जो मैंने स्टिकर डिसाइड किया, स्टिकर दूसरे के मैंने ये डिसाइड किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उल्टे साइड से, सीधे साइड से मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि उसने आधे से ज़्यादा खोल लिया। अभी इसको कहते हैं कि भाई इसको फिर से तैयार करके बाइक खड़ा हो, मेरा मोटरसाइकिल जो इस टाइम फुल लंगर टंगे खड़ा हो, उसको टाइम देना, उसके बाद मैंने निकलना अपने घर की तरफ, मेरे पास टाइम फिर कम है, जाके मैं फ्रेश होना तैयार होना, भाई को थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर थोड़ी सी कैप्चर करते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो फाइनली मेरे दूसरा टापा भी तैयार हो गया, पहले टापा उस्तार के पास, उसमें थोड़ा सा काम शाम लगाया था, पर उस्तार के दूसरे भी तैयार, उस्तार उसमें वो अभी सेट हो जाएगा जो थोड़ा सा उकड़ रहा है भाई, ये थोड़ा सा उसके ये थोड़ा सा साइड ख़राब हो गया, मैंने उस्तार को उसको तैयार करा के, तो क्योंकि बार बार मैं इसे नहीं आने आता, पर ये हो गया मेरे दूसरा तैयार बिल्कुल ज़बरदस्त। बस ये लगे हैं उस्ताद जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम दिया मेरे को, अभी मेरे सामने खड़ा हुआ बाइक अभी लगाते उसको अपने बाइक पे, ये आ गए मेरे दोनों टापे, यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त वाला काम हो गया। अभी इनको जो देते हैं पैसे वैसे लेते, इसको बाइक पे लगाते हैं, बाइक पर लगाने के बाद मुझे जाना है थोड़ा सा नहाना शाना तैयार होना, काम पर चलो इनको लगाते बाइक पे, उस्ताद ना इनको लगाए ना, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। टापे शाप तैयार तो होगा, भाई ने बोले मेरे को लगाने नहीं आता, तो लगाना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो भाई कहता भाई नॉन स्टॉप भाई सीधा पहुंच गया टापा लगाने के लिए, वैसे मेरे को जाना है घर के, मैं सोया नहीं, मेरे था सोने का पीड़, तो फाइनली टापा तैयार हो गया, अब चलते हैं सीधा अपने घर की तरफ, थोड़ा सा रेस्ट रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश होने के बाद फिर जाऊँगा दुकान पर, क्योंकि शाम को हमारा थोड़ा आउटिंग का प्लान है। अभी करते हैं अपना हयाबुसा तेज पहुँचते सीधा F16 बना के घर की तरफ।
बाइक का काम शाम कराने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरा इरादा था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, सो जाऊं, नींद करूं, पर मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा है 5:15 का, यानी कि मैं दुकान से निकला था अच्छा बड़ा लेट। वैसे मेरा इरादा था कि जाके जल्दी से बाइक का काम कराऊंगा, उसके बाद फ्रेश जाके सो जाऊंगा, पर मेरे साथ हो गया प्लान कि ना आपने देख लिया होगा उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, पर काम उसने बड़ा मजे का किया, डेकोरेशन का काम बड़ा प्यारा किया। अब मेरे काम अधूरा एक और रह गया, वो रह गया है नंबर प्लेटें बनाना। उसके बाद अपने पुराने मैकेनिक के पास जाऊंगा, उसको बाइक चेक कराऊंगा कि भाई बाइक भाग नहीं रहा, बाइक शोर कर रहा है। वैसे मैंने कल एक और मैकेनिक को दिखाया, वो गया यार मोटरसाइकिल तेरा बंद हो गया, यानी कि मोटरसाइकिल तेरा खुल के जा नहीं रहा, इसके तो क्या वजह, ट्यूनिंग से दोबारा कराया, जबकि मैंने ट्यूनिंग 3 से 4 दिन पहले कराई है। पर कोई नहीं, खैर है, अब जाते हैं दुकान पे। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, पढ़ते असर की नमाज, वैसे जल्दी जल्दी मैं फ्रेश हो गया और नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह असर की आज मैंने घर में ही पढ़ ली है। तो अब चलते हैं दुकान पे, फिर दुकान को थोड़ा सा टाइम देंगे, वहीं पे मारेंगे अफ्तारी, क्योंकि अब्बा जान चले गए हैं सीधा हरिपुर चलेंगे, मुझे देना पड़ेगा दुकान को अच्छे बल्ले वाले टाइम। अफ्तारी के बाद हमजा भाई का इरादा कि यार ज़्यादा है, आज हमने करतार पूरा नाश्ता करें। वैसे काफ़ी दिनों से मेरे को कह रहे, पर मेरे को गोलियाँ करा, मैं गैस अफ्तारी करने चले जाएंगे मनाल, वो कहते नहीं सैरी करने जाना है करतार पूरा, तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो वैसे ज़्यादातर चांसेस है कि हम करतार पूरा चले जाए, क्योंकि हमजा भाई की सुई अड़की हुई कि नहीं मैंने निहारी खानी, इसके अलावा कुछ और नहीं खाना। अबे साले, तो चलो अब देखते हैं क्या बनता है। वैसे टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, समझा कोई से पहले कि मेरे को गालियाँ शालियाँ पढ़ना शुरू हो जाए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो जल्दी से उठते हैं मारते खंगी शंगी, क्योंकि फ्रेश हो गए, नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जाके दुकान को टाइम देते हैं, अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी के बाद जाएंगे सीधा करतार पूरा या कलगा बनेंगे मुन्नाल। तो अभी निकलते हैं दुकान की तरफ। अफ्तारी शिफ्तारी तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मारते गर्मा गर्म चाय। वैसे मैं काफ़ी देर के दुकान पे आ चुका था, क्योंकि आज अब्बू जान चले गए हैं वाकेंड, मतलब वाकेंड नहीं, हरिपुर पर। फिर जब अब्बू जान चले जाए कहीं भी, तो फिर मेरे रहा सर्विस और प्रोफेशन, जो मुझे जो भी अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती खुशियों वाली ज़िंदगी में। सामने बिल्कुल अफरीदी होटल, यानी कि नाइट का व्यू, वो भी मेरे बाजार का होटल में बिल्कुल सुकून डॉट प्रोग्राम है। और मेरे को हो ये चाय की तरफ, वैसे मेरे को एक शदीद वाला नशा है, अफ्तारी के फौरन बाद चाय हर सूरत में पीता हूँ। तो चल अच्छा, तो कोई नहीं, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसका भी समझा कि अफ्तारी करा दी और चाय भी हमें रिजक में लिखी हुई, तो पी लेते हैं चाय, यानी कि रिजक नसीब में लिखा है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, मरना चाहिए। तो चल चाय पीते हैं, चाय के बाद फिर थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा टाइम दुकान को देंगे, फिर हमदा भाई को कॉल मारेंगे क्या सीन है। वैसे चौधरी साहब काफ़ी दिनों से पीछे पड़े हुए कि जाना है अफ्तारी सैरी करने, मेरे ज़्यादा था कि अफ्तारी करने चले जाए मनाल पे, पर वो कह रहे नहीं सैरी करने जाना है करतार पूरा। तो देखते हैं कि चौधरी साहब को, वैसे मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि आएंगे तो नहीं, कि वो प्लानिंग करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। मैं और माज हमजा भैया, और उसके बाद इरादा करेंगे कि आशिफ भाई को भी साथ बुला लें, अबू बकर और सुफियान को अपने कारी केक आउट। अब देखते हैं कि हमजा और सुफियान कितनी देर में आते हैं, फिर हमजा और माज भी आएंगे, फिर जाएंगे यहाँ से सैरी करने, मैं हमजा भाई और माज भाई और साथ आशिफ करतारपुरा। तो मिलेंगे रात को करतारपुर लगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आखिरकार हमजा भाई पहुंच गए, टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया, आशिफ की मेरी कोई 5-6 कॉल आ गई थी, पर हमजा भाई ने काफ़ी लेट कर दी। वैसे मेन प्लान था माजवी का, यानी कि चौधरी साहब को, चौधरी साहब ने मैं करा दी गोली। फिर मैं आगे हमजा भाई और आशिद पहले से वेट कर रहा है, वेट क्या करके वो भी इसके बाद निकलेंगे गोली टाउन से, हम निकले अपने अपने फैसले सीन के, ये हमारे वैसे का चौक ना वेरी वेल। अभी हो रहे लेट, हमजा भाई बार बार कहेंगे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चौधरी साहब ने गोली करा दी, आशिद भी वहाँ से निकला है। तो चलने निकलते हैं सीधा भी काला खान वाली साइड पीने के, भी हमें जाना है सीधा करता पूरा सैरी सैरी करनी, क्योंकि पिंडी की रश तो बहुत अच्छा भला होगा, पर हमने भी जाना भी है, करनी भी है सारी, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। तो करते देखते कि आशिर कहाँ पहुँच गया, निकलते रास्ते में गिराएंगे अपनी कप शप। नाश्ता करने के लिए जैसे मैं और हमजा भाई निकले, तो साथ ही दुबई के थे भाई, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी डलवा, तो मेरी नज़र पड़ गई पेट्रोल पंप पे, मैंने मोटरसाइकिल डाल लिया सीधा पेट्रोल पंप पे। मेरे साथ ये हो गया था एक और साइकिल, और मैंने कहा कोई खैर भाई मेरे को भी $300 का पेट्रोल डालो, बल्कि $400 का, खैर है यार मेरे टैंकी फुल तो हो जाएगी भाई, मैंने कर भाई कह ना कहा फ्री ना पेट्रोल डलवाते दिक्कत में, चलो भाई पेट्रोल डालो आगे, हमने जाने सीधा नाश्ता करने।
यार आशीष पॉइंट इसी पे सर्कल में रोड जैसे टाइम खड़े हमने आशीष भाई को कॉल मारी अंदर भाई मैंने वेट करा बनी चौक चक्के बनी चौक असली सीधा रास्ता भी हमने यहाँ से जाना है बनी चौक जहाँ पे तो अच्छा भला है रश रश लगा हुआ है लगभग सारी हवा बाज सैरी करने निकली हुई है पर कोई नहीं हम भी चलते चलते सैरी शैरी करने रास्ते में और हमने टोटल 4 से 5 मिनट डिलीट किया फिर हम जब हमने आगे चलते देखे क्या हालात है वो बताते आपको हंसी भी मैं रमजा भाई पहुँच के सीधा करता पूरा अभी मार दिया हर्षद भाई को कहा कि भाई आप कहाँ पे हो यहाँ पे लगा हुआ है अच्छे भले वाले रश हम लोग भाई काफ़ी परेशान हो रहे क्योंकि हम लोग भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा तो यहाँ पे आना जाना लगा रहता है अभी हम लोग भाई को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें परेशान होंगे खड़े में पर हम लोग भाई कोई नहीं खैर टेंशन ना लो मैं कहता हूँ हर्षद भाई को कॉल बुलाते हैं वैसे हम जाना बिल्कुल सामने आपकी यानी कि हम लोग भाई के बैक साइड पर टाइम भी थोड़े से ज़्यादा हो गया आशीष को मैंने टाइम दिया हुआ था लगता वो भी पहुँच गए मुझे उसको करने को आशीष भाई के पॉइंट के साथ हम लगाए बाइक सेफ पार्किंग वाली साइड पर निकल पड़े सीधा करतारपुर के बाजार में यानी कि मेरे साथ जा रहे हैं आशीष भाई ये है करतारपुर का बाज़ार जिसको बोलते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे फेमस जगह वो भी नाश्ते के लिए यहाँ पर आपको मिलता है रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे महंगे वाले नाश्ता वैसे मेरे इसका दूसरा तीसरा एक्सपीरियंस है मेरा और हर्षद भाई का हमजा भाई का यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमने तो हमजा भाई को बड़ा बोला था कि यहाँ पर हमें कुछ खास नहीं मिलने वाला पर हमजा भाई कहते नहीं मैंने यहाँ पर खानी है काले खान की निहारी यानी कि काले खान पिंडी का सबसे मशहूर निहारी वाला है मेरे साथ जाने जा रहे हैं हर्षद भाई और साथ जा रहे हैं हमजा भाई ने बोला चलो ठीक है हमजा भाई कोई मसला नहीं हम आज वो कराते काले खान की निहारी वैसे भी टूटते हैं काले खान कहाँ रह गए काले खान कितना में गायब हो गया तू हर्षद भाई आगे आगे भागने लगता है हर्षद भाई को एग्जैक्ट लोकेशन पता है ये हम पहुँच गए अकबर सीधे पाई वाले के पास सीधी अकबर साहब सीधी पाई भी लेके जाते लोगों की पाई शाई खदाकते हैं वहाँ यहाँ पे रश की सूरत हाल देख लगता है कि पूरी दुनिया यहाँ पे आई हुई है आखिरकार हम पहुँच गए सीधा काला खान निहारी हाउस पे अब इसको देते हैं ऑर्डर शॉर्डर वैसे यहाँ पे तो जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है देखते हैं कि वैसे भी जगह मिल भी जाएगी नहीं क्योंकि हम तो भाई काफ़ी परेशान हर्षद भाई जगह ढूंढ रहे हैं अभी देखते हैं कि हर्षद भाई कहते हैं चलो भाई मुझे ऊपर जगह नजर आ गई है ऊपर जाना पड़ेगा आसमान में नहीं यानी कि सेकंड फ्लोर पे बैठने के लिए सेकंड फ्लोर में पॉइंट साथ ही हमें मिलेगी जगह और जगह मिलते साथ ही मैं बोला हर्षद भाई जल्दी से आर्डर दो बाकी जाने छोड़ो हर्षद भाई मेरे को लिफ्ट ही निकाला है हमजा भाई से छुप छुप के बातें कर रहे हैं जैसे कि इसको हमजा भाई मैं ना लेके आया हूँ इसको हमजा भाई लेके आए हूँ आखिरकार हर्षद भाई ने गलत खा के ऑर्डर दे दिया और बोला साथ जल्दी लेके आओ फौरन आ गया हमारा ऑर्डर यानी कि पिंडी की सबसे मशहूर निहारी काले खान की 7 रोगनी नान अब इसको करते हैं टेस्ट चेक करते हैं किसका जायका शायका कैसा जितना इसका नाम है उतना इसका टेस्ट है भी कि नहीं वैसे काले खान से मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आशीष भाई यहाँ पे आते रहते हैं हमजा भाई के भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हमजा भाई काफ़ी देख रहे हैं पर हमजा भाई आए यहाँ पर फर्स्ट टाइम है अभी हम करते हैं टेस्ट किसका टेस्ट कैसा है मेरे मेरे को लग रहा है कि टेस्टी होगा और चेक करते हैं मज़ा आ गया काले खान की निहारी और उसके बाद लस्सी ना हो ये हो ही नहीं सके तो आ गई हमारी लस्सी पीते लस्सी करते इसका टेस्ट फिर अदा करेंगे इसका बिल और निकलेंगे अपने घर की तरफ वैसे चेक करते हैं इसकी लस्सी मज़ा आ गया अब देते पैसे हो गए मेरे पैसे